प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा का पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी और समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण के साथ ही क्षय रोगियों को किट वितरित की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। कार्यक्रम था सेवा पखवाड़ा। आप जानते हैं कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं और ये सेवा का पखवाड़ा मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के संस्कार हम अपने जनता के बीच में डाल रहे हैं कि सेवा करना बहुत आवश्यक है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय मंत्री चंदन रामदास जी का कि आज जन्मदिन मनाने सेवा के मौके पर वो पहुँचे। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण की कई योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का वंचित वर्ग लाभान्वित हो रहा है। उन महत्वपूर्ण विभाग में जितनी भी टेंडर प्रक्रिया है इस महीने के अंतिम तक हो जाए ताकि अक्टूबर से निरंतर काम शुरू हो जाए। प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने लिया है उसको भी हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं। बिल्कुल शासन के आदेश हैं कि दिव्यांगों को नौकरी में 4% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसका शासन आदेश जारी हुआ है और हम जल्दी ही दिव्यांगजनों की बैकलॉग भर्तियाँ करेंगे और दिव्यांगों को हम 4% आरक्षण के रूप में नौकरियां देने का प्रयास करेंगे। परिवहन विभाग की स्थिति ये थी कि 6 महीने तक लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार सौभाग्यशाली है, आज हम प्रत्येक माह ड्राइवर कंडक्टर सारे कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में हैं।